कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है किसी को कुछ पल की खुशी देना, और खुशी और एहसान कभी इस रूप में मत कीजिए कि उसको अपनी इज्जत छोटी लगने लगे। उसके सम्मान को बचाते हुए यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रकृति के भी प्रेम के पात्र बनते हैं। तो ये कहानी है एक आदमी की। एक आदमी एक दुकानदार से पूछता है कि केले और सेब के फल के क्या भाव हैं। तब दुकानदार बोलता है कि केले तो 20 रुपए दर्जन है और सेब 100 रुपए किलो। उसी समय गरीब सी औरत दुकान में आती है और बोलती है, मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले चाहिए, क्या भाव है। दुकानदार बोलता है, बहन जी केले 5 रुपए हैं और सेब 25 रुपए किलो। अब औरत ने कहा, जल्दी से दे दीजिए। दुकान में पहले से मौजूद ग्राहक ने खा जाने वाली निगाहों से घूर कर दुकानदार को देखा। इससे पहले वो कुछ कहता, दुकानदार ने ग्राहक को इशारा करते हुए थोड़ा सा इंतजार करने को कहा। वो औरत खुशी खुशी खरीदारी करके दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाई, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे इन फलों को खाकर बड़े खुश होंगे। अब औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहक की तरफ देखते हुए बोला, ईश्वर गवाह है भाई साहब, मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। ये तो विधवा महिला है जो 4 अनाथ बच्चों की माँ है, किसी से भी किसी तरह की कोई मदद लेने को भी तैयार नहीं है। हमने तो कई बार कोशिश की और हर बार नाकामी मिली। तब मैंने ये एक तरकीब सोची कि जब कभी ये आए तो मैं उसे दाम ही कम कर देता हूँ और वो चीज़ उसे दे देता हूँ, ताकि उसका भ्रम भी बना रहे कि वो किसी की मोहताज नहीं है और उसकी सहायता भी हो सके। इसी तरह भगवान के बंदों की थोड़ी पूजा हो जाती है, क्योंकि सुबह से शाम तक पूजा करने का भी समय नहीं मिलता है। थोड़ा रुक कर दुकानदार बोला, भैया जी ये औरत हफ्ते में एक बार आती है, भगवान गवाह है, जिस दिन आती है उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है और उस दिन परमात्मा मेरे ऊपर मेहरबान हो जाता है। अब ग्राहक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसने आगे बढ़कर दुकानदार को गला लगा लिया और बिना किसी शिकायत के अपना सौदा खरीद कर खुशी खुशी चल गया। तो दोस्तों याद रखें, खुशी अगर बांटना चाहें तो दुनिया में बहुत से तरीके मिल सकते हैं। खुद के लिए खुशी ढूंढने के बजाय यदि हम दूसरों को भी खुश देना शुरू कर दें तो शायद ऊपर वाला हमारी ज़िंदगी को भी खुशियों से हमेशा भरा रहे।